सिर्फ 6 महीने हैं आपके पास, अच्छी बहू हो आप ये दिखाने के लिए, बाद में कुछ नहीं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ निखिल नाय और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल में वीडियो, मेरा वीडियो। आपने टाइटल तो पढ़ लिया, आपको पता चल गया होगा कि किस विषय पे यानी कि किस टॉपिक पे मेरा वीडियो है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपके पास सिर्फ 6 महीने हैं, अच्छी बहू हो आप ये दिखाने के लिए। सिर्फ 6 महीने, शादी के बाद के 6 महीने। ये 6 महीने में यह दिखाना जरूरी है कि आप अच्छे हो, क्योंकि 6 महीने बाद आपका रियल फ्यूचर चालू होगा, यानी कि आपकी जिंदगी चालू होगी। जो आपका फ्यूचर बनने वाला है, कैसा भी होगा, वो डिपेंड है ये 6 महीने में। चलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखो, कुछ चीजें ऐसी होती है जो दिखानी जरूर है, दिखावा नहीं है लेकिन दिखानी जरूर है, दिखाना जरूर है, क्योंकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो आपकी तरफ से। पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके पास 2 साल है, आप जिस फैमिली में ऐड हुए हो उसके रीति रिवाज सीखने के लिए, और आपके पास सिर्फ 6 महीने हैं, अच्छी बहू हो आप वो दिखाने के लिए, क्योंकि इसके बाद आपकी जिंदगी शुरू होगी। रीति रिवाज आपको सीखने के लिए, जो आपके पास 2 साल है उसके बारे में मैं आपको फ्यूचर में बताऊंगा, यानी कि कोई और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, अच्छी बहू हमें क्यों बताना है बनके 6 महीने में। देखो, हमें अच्छा बनके दिखाना है क्योंकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए हमें, इसलिए बाद में हमारे बारे में कोई गलत ना बोले, इसलिए हमें अच्छा बनना है और हमें अच्छा दिखाना है लोगों को, क्योंकि हमें दुनिया के बीच रहना है, लोगों के साथ रहना है, अकेले नहीं रहना, क्योंकि अकेले जिंदगी नहीं निकलती, हमें उनके बीच ही रहना है और जरूरी है। देखो, मैं आपको अभी बता देता हूँ कि अच्छा क्यों बनना है हमें, अच्छा क्यों दिखाना है, क्योंकि आज हम अच्छे बने तो 10-20 साल बाद हमें कोई ये ना बोले कि हम पहले ऐसे थे वैसे थे। हाँ, अगर आप सोचते हो कि हम जैसे थे जैसे है हम वैसे ही रहेंगे, तो आप गलत सोच रहे हो। आपको कुछ चीजें दिखानी होगी जो दुनिया चाहती है। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जैसे कि कोई बहू आती है नई नवेली दुल्हन घर पे, तो जैसे कि उसको खाना बनाना नहीं आता लेकिन वो सीखने लगती है। लेकिन क्या होता है, उससे पहले स्टार्टिंग में खाना बनाना नहीं आता, इसलिए बात होती है जो फैल चुकी होती है कि यह पहले आई थी शादी के वक्त, उसको खाना बनाना नहीं आता था और हम सब लोगों ने इसे खाना बनाना सिखाया। देखा, यही बात होती है जो सालों तक चलती है। ऐसी आपकी बात हो जो सालों तक चलती है, आपको खाना बनाना नहीं आता, आपको कपड़े धोना नहीं आता, झाड़ू पोछा वगैरह वगैरह, ऐसी बातें होती है जो आपके बारे में पूरी फैल चुकी होती है पूरे वर्ल्ड में। और अगर आप चाहते हो कि आपके साथ ऐसा ना हो, तो इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में लेके आया हूँ। सिर्फ आपके पास सिर्फ 6 महीने हैं अच्छी बहू दिखाने के लिए, आपको पूरी जिंदगी इन लोगों के साथ गुजारनी है, यानी कि रहना है, रिश्तेदार पड़ोसी और आपकी सास। देखो यार, आपकी सास अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन आपकी जो बातें हैं वो सिर्फ वो ही जानती है, और आपके पड़ोसी आपके रिश्तेदार को पता चल जाता है कि आप कैसे हो। देखो, आपकी सास जो है यानी कि आपके हस्बैंड की मम्मी, वो अच्छी हो तो आपकी बातें जो है वो बाहर लीक नहीं होती, लेकिन आपकी जो बातें होती है वो आपको आपके जो पड़ोसी होते हैं ना, वो लीक करते हैं। आपके पड़ोसी है वो आप पर 24 घंटे, पूरा दिन पूरी रात आपके ऊपर नजर रखते हैं कि आप कैसे कपड़े धोते हो, कैसे खाना बनाते हो, कैसे सफाई करते हो, कैसे घूमते हो, और सोशल मीडिया ये सब पे वो लोग देखते रहते हैं। और ये सब चीजें मायने रखती है आपके फ्यूचर के लिए। आप बाजार जाते हो, क्या लाते हो, कौन से टमाटर लाते हो, कौन से आलू लाते हो, कितने दाम में लाते हो, वो सब देखते हैं, और उसी से वो तारण निकालते हैं कि वो जजमेंट निकालते हैं कि आप कैसे हो, आप ज्यादा पैसे उड़ाते हो या पैसे बचाते हो, ये सब इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और ये जो बातें होती है वो फैलने लगती है आपकी पास वाली सोसाइटी में, 2-3-4 घर में पता नहीं होता कि आप कैसे हो, लेकिन उनको भी पता चल जाता है कि आप कैसे हो, क्योंकि आपके पड़ोसी उन्हें बताते हैं। वो लोग आपसे कभी मिले नहीं होते, लेकिन उन्होंने आपको देखा हुआ होता है, और इस हिसाब से आपकी बातें फैलती है। आप सोचते हो कि इससे हमें क्या लेना देना, मैं मेरी जिंदगी जी रही हूँ, वो उनकी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन उससे क्या, देखो फर्क पड़ता है, और हमें दिखाना है, दिखाना है ताकि वो गलत हो और आप सही हो। 3 लोग
है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिश्तेदार, पड़ोसी और आपकी सास। हमने क्या किया वो सब लोग याद रखते हैं और इससे इफेक्ट होती है हमारे फ्यूचर पे। आज आप जैसे भी हो, आपकी बात फ्यूचर में होगी 100%, यानी कि 10-20 साल बाद। जरा सोचो, आप पड़ोसी हो और आपके पास में कोई नई बहू आई है शादी करके, तो आपको तो उनकी डिटेल पता होगी, आप पता करना चाहोगी कि वो कैसी है, क्या करती है, कहाँ से आई है, ऐसे ही सब कुछ। ऐसे ही लोग आपके बारे में भी बात करते हैं। आप चश्मिश हो, गोरी हो, काली हो, लड़ाकू हो, लूली हो, लंगड़ी हो, अंधी हो, मोटी हो, पतली हो, बहरी हो, पागल हो, रोने वाली हो, हंसने वाली हो, कमजोर हो, ये सब लोग देखते हैं। देखो, मेरा वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको समझना जरूरी है। समझे तभी तो आपका फ्यूचर बदलेगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप दिखावा करें, लेकिन जो आपको सीखना है, करना है, वो आप अभी से शुरुआत करें, क्योंकि आपके पास जो टाइम है वो बहुत कम है। मैं 100% बोल रहा हूँ कि फ्यूचर में आपके बारे में बातें तो होगी 10-20 साल बाद। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि आपके बारे में कोई भी बात नेगेटिव ना हो, ऐसी झूठी फैली हुई ना हो और सच्ची बात फैली हुई ना हो, तो इसके लिए आप अभी से सतर्क हो जाइए। इंसान तो इंसान ही होता है, वैसे हम इंसान ही हैं और हमें दुनिया के बीचों बीच रहना है। आप गलती एक बार करते हो तो वही गलती 100 सालों तक याद रखी जाती है। जरा सोचिए, आपकी जगह कोई और है और वो कोई गलती करता है तो आप उसे याद करेंगे 10-20 साल बाद? आप याद करेंगे? 100% याद करेंगे। वैसे ही आपकी बात लोग याद करते हैं, करेंगे और आपकी बातें होगी। आप कोई भी गलतफहमी में मत रहिए कि इससे हमें क्या। अगर आप इंस्टाग्राम, फेसबुक वाली स्टोरियां पढ़ते हैं कि इस चीजों से हमें क्या, हम हमारी जिंदगी जी रहे, तो आप गलत है। इससे फर्क पड़ता है और ये सब बातें आपके फ्यूचर पे इफेक्ट करती है। आप चाहे तो आज से ही, अभी से ही आप अपना फ्यूचर बदल सकते हो, आप अपनी बातों भी बदल सकते हो। जरा सोचिए, आप किसी के रिश्तेदार है, किसी के पड़ोसी है, किसी की सास बनने वाले हो फ्यूचर में, तो तब आपको कैसा फील होगा? आप अभी क्या फील कर रहे हो, तो जरा सोचिए और इस हिसाब से चलिए कि आपको क्या करना है। और हाँ, शादी के बाद के 6 महीने में आप दिखाइए गली वालों को, मोहल्लों वालों को, सोसाइटी वालों को, रिश्तेदार को, पड़ोसियों को और अपनी सास को कि मैं आपके लिए कितनी परफेक्ट हूँ। कहीं भी गलती नहीं की, मैंने भी गलती नहीं की, मैं तुम सबके लिए अच्छी हूँ, अच्छा बनना है मुझे और मैं आप सबका ख्याल रखूंगी। इस चीज आपको दिखानी है, बतानी है और प्रॉमिस भी करना है। और हाँ, लास्ट में बात करूँ तो रीति रिवाज वो भी आपको सीखने हैं और आपको इसके लिए टाइम मिलेगा सिर्फ 2 साल का। एक्चुअली टाइम मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 2 साल का ही टाइम है। अगर आपने कुछ नहीं सिखा तो बाद में भी आपके बारे में बोला जाएगा कि इसको कुछ आता नहीं, इसको कुछ पता ही नहीं है, फिर लोग ताना मारेंगे। देखो, आपकी जिंदगी अलग है और ये सोशल मीडिया वाली भी जिंदगी अलग है। अगर आप उसमें आए स्टेटस, स्टोरी और अच्छे अच्छे मोटिवेशन वाले पढ़ते हो और सोचते हो कि इससे हमें क्या, तो आप गलत हो, क्योंकि आपको दुनिया के साथ रहना है, लोगों के बीच रहना है। अब दुनिया बदल रही है और हमें भी बदलना है। देखो, मैं आपको बहुत कुछ दिखाना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं। अगर आपको मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आता है, मेरी बातें पसंद आती है, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको पता ही होगा कि YouTube चैनल सब्सक्राइब करने से आपका फ्यूचर बदलेगा, सही में। चलो, अभी सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और हाँ, याद रखना, सिर्फ 6 महीने हैं आपके पास। दिखा दो दुनिया को कौन है आप, कहाँ से आए हो, कहाँ से बिलोंग करते हो आप, दिखा दो।